श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी आपसे एक प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सिद्धि कैसे प्राप्त हो? सिद्धि अलग है, प्राप्ति भगवत प्राप्ति अलग है। सिद्धि आठ प्रकार की है हनुमान जी के पास। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशत वशत नौ निधियां हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के, तो सिद्धि पाना अलग है। सिद्धि से प्रसिद्धि मिलेगी, पर भगवान की प्राप्ति से जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। तो भगवान की प्राप्ति के भगवान की प्राप्ति के अनेक उपाय हैं। उनमें कुछ उपाय बता देते हैं हम आपको। एक नाम जप, दूसरा सावधानी के साथ में हर चीज को बारीक से ऑब्जर्व करके सत्य और असत्य का निरूपण, सत्य और असत्य को जानकर सत्य के मार्ग पर चलना, असत्य का त्याग करना। तीसरा गुरु की कृपा से भी बिना प्रयत्न के आप भगवान को पा सकते हो। यात्रा दो प्रकार की होती है डियर। एक यात्रा खुद से करनी होती है, जिसमें आप सामान खुद पैक करेंगे, कैब स्वयं बुक करेंगे, ट्रेन की टिकट फ्लाइट की टिकट स्वयं बुक करेंगे। लेकिन एक दूसरी प्रकार की यात्रा होती है जिसमें कोई तुम्हें भेजता है, और अगर कोई तुम्हें भेजे कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तो फिर पूरी जिम्मेवारी और पूरी व्यवस्था भेजने वाला करता है, कैब बुकिंग से लेकर के फ्लाइट बुकिंग तक। उसी प्रकार अगर खुद पुरुषार्थ में दम हो तो मेडिटेशन करके ध्यान करके आप ईश्वर को पा सकते हो। और इतनी सामर्थ्यता लगती है कि नहीं है, तो आप गुरु की शरण में जाकर के गुरु के द्वारा भी पा सकते हो। धन्यवाद सीताराम गुरु जी। सीताराम जी चेला इधर से बोल रहे गुरु जी, हमने देख लो चेला। आपका प्रचार देखते हैं, आप कहते हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं है। मैं क्षमा मांगूंगा मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन आज हमने बहुत सारा वीआईपी कल्चर फेस किया। जब से लाइन में खड़े थे बाहर, तब से कुछ स्पॉन्सर हैं वो सीधा अंदर आ रहे हैं। अभी भी माइक के लिए अभी भी सीधा इनके कोई दोस्त हैं, उनके कोई दोस्त हैं, किसी का कोई दोस्त है, सब उनको ही जा रहे हैं। इधर कोट वाले भाई थे वो बैठे, वो अंदर जा रहे हैं। ये मतलब कि मेरे को लगता नहीं हिंदू धर्म में होना चाहिए। सुनो दर, सुनो एक और सुनो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तर्क करना बहुत अच्छा है। अब बाहर की व्यवस्था के बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि हम मंच पर बैठे हैं। लेकिन हम नंबर, बहुत अच्छी जानकारी दी, पर हम नंबर दो ये कहना चाहते हैं, जो व्यवस्थाओं में रहेगा वो अंतरंग तक आने का अधिकारी भी होगा, नहीं तो सेवा का मतलब क्या हुआ भाई। भगवान कृष्ण के साथ में सुदामा जी पढ़े तो उनके कक्ष के अंदर तक गए, क्योंकि वो पढ़ते रहे। सेवा करने वाले सेवादार ही अंदर तक नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? फिर सेवा ना करने वाला और सेवा करने वाला, फिर तो हो गई कि तुम मारो मजे, खर्च करें सोमा बहन, तो स्पॉन्सर करें सोमा बहन और गुरुजी रुके चंगीलाल के घर, तो चंगीलाल तो कहेगा ये बढ़िया है ना, दो रुपया लगे ना, गुरुजी को बुलाना पड़ा, जय बजरंग बली की।